जय साईं जी दी रब एक जय साईं जी 786 एस ए ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूह नूं सलाम है जी, निघा स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नूं जरूर दबाओ ताकि तुहानूं आने वाली वीडियो की जो अपडेट है वह मिलती रहे बाबा जी। सो जो अज गल करन जा रहे हैं जी, सवाल जठेरे की होंदे ने, पूजने चाहिए ने या नहीं पूजने चाहिए, इहदे च दो जवाब होणगे। एक तो बाबे पूजने चाहिए ने, दूजे नहीं पूजने चाहिए। जे फकीरां दी गल की जाए तो वह दसदे आ कि जिहड़ी जठेरियां दी पूजा है वह बेअर्थ, बेअर्थ की दौड़ आ। जिहड़े पूजदे ने उन्हां नूं पुछ लवो कि क्यों पूज रहे हैं, उन्होंने उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं होगा, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं होगा। कई तो कई कई साल दादे चले गए, पड़दादे चले गए, माँ प्यो चले गए, उदों नहीं पूजे, कई आप ही लभ के देरियां पूजन लग पैंदे आ। तो जो उन्होंने पूछिए भी क्यों पूज रहे हैं, साडे दादे पड़दादे पूजते सी इसलिए कर रहे हैं। इत्थों तक कि बड़े सारे पढ़े लिखे लोग भी इन्हां चक्करां दे विच पए रहिंदे ने बाबा जी, ते कई वारी तुहाडे साडे वर्गिआं नूं भी जिहड़े नहीं भी मानदे उन्हां नूं भी जाणा पैंदा, क्योंकि उन्हां दे माता पिता भी इन्हां कम्मां दे विच हुंदे आ, इन्हां चक्करां दे विच हुंदे आ, इन्हां चीज़ां दे विच हुंदे। ते फिर उह लोकां दा कलेश घर दे बचन करके लोग चले जांदे। हुण है की ने जठेरे, जठेरे लोग कहते भी साडा वड वडेरा जिहड़ा चला गया वह जठेरे आ। वह हुण देखिया जाए तो मान लो कि एक कोई बंदा आ या मैं आ या तुसीं आ, हुण जो तक सवास चल रहे ने, साडे साह चल रहे आ, खा पी रहे हैं, तो जो मर गए तो असी अपनी औलाद लई जठेरे बन जाना है। क्योंकि जठेरियां दा मतलब है जो साडे दादे पड़दादे दुनिया तो चले गए, जो साडे वड्डे वडेरे जो इस दुनिया तो चले गए उन्हां दी पूजा करदे आ। पर जे एक गल अपने विच वेखो कि तुहाडे विच कुछ ऐसा है कि कल नूं जदों मर जे तुसीं मर जावो तां तुहाडी औलाद तुहाडी पूजा करे, है कुछ ऐसा कि सिर्फ इस लई पूजा करे कि असीं उहदा प्यो हाँ जां असीं उहदी माँ हाँ, सिर्फ इस लई पूजा करे जां उन्होंने सानूं रोटी खवाई, जरिया बने ना, वो तो मालक का जरिया बने, जिदा जिदा मालक ने रंग भाग लाए उदा का मिली कि, क्योंकि पूजन योग्यता होंगे जो रब की बंदगी करते हैं। कि करते हैं तुम रब की बंदगी, पूजा पाठ या याद उस मालक की याद के विलीन, क्योंकि याद तो उन्होंने किया जाता है जिन्होंने ज्योदे जी अपने आप में उस मालक नाल, उस परमात्मा नाल, अपने अपने गुरु पीरों मुरशदा नाल जोड़ दिता है। हुण मान लो कि एक इंसान है वह जवारी है, जुआ खेड़दा सवेर तो शाम तक। एक इंसान है वह पैसा पैसा करदा मर गया, या वह पैसे की दौड़ दे विच बेचारा दौड़दा ही गया। हालांकि पैसा बड़ा इंपोर्टेंट चीज़ है, इत्थे मैं कहूँगा बाबा जी मनी इज़ द वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स, पर वह किहड़े पासे लग रही है यह भी पता होना चाहिए। कितने उस चक्कर के अपना दिमाग खराब करके अपने न्याणियों ना रिश्तेदारियों च भर दे भाई, क्योंकि ये रिश्ते नहीं होंगे, ये खून होंगे ने, वो चीज़ा करते मर गया। कोई एवें किसी को बुरा भला कहते मर गया, कोई इंसान लड़ी जाता जिंदगी मैं करता मर गया, आ कोई गुरु पीर माड़ा कहता मर गया, कि इन्हां नूं पूजना जरूरी है? जिहड़े भी जठेरियां की पूजा करते ने, कुछ साईं लोग तो यह भी फरमाते हैं कि वह घर में कदे भी सुखी नहीं वस सकते। और जिन्हें भी जठेरियां की पूजा करते होंगे ना, अपने मन के अंदर झाती मार के देख लवो, सब तो ज़्यादा दुखी तुसी लोग होवोगे, दुखी होवोगे। तो जे कोई बच्चा कहे अपने माँ बाप नूं भी ये राह गलत है, ये इधर गलत चीज़ है, पर नहीं माता पिता जानते हैं, वो अपना तो बेड़ा खराब कर ही रहा,
वो अपने बच्चों का भी काम खराब कर रहा है जब तक वो है। बाद में जो मानते नहीं मानते वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो जे तो तुम कितने होर जाके कर रहे हैं पूजा वह भी नुकसान हैगा, ये नहीं भी नहीं नुकसान जो लिखा गया भी उस चीज़ का भी नुकसान है। पर जे तुम घर के उन्होंने जगह बना के पूजा पाठ कर लग पे तो वह एक बंदिश तो अलावा होर कुछ नहीं, क्योंकि घर च पूजा करनी है तो गुरुआ की करो, संतां की करो, फकीर की करो, रूहां की करो, उन्हां पाक रूहां की करो जिहड़ियां सिमरन करके मोक्ष नूं पालिया, जिन्होंने अपनी मंजिल नूं पालिया, क्योंकि वो उस समंदर दे विच जा मिली है जो समंदर सी, तो समंदर दे विच जा मिल के वह समंदर हो गई जिन्होंने अपने जीवन नूं आनंद नाल जोड़ दिता। बाबा जी ऐसियां दी पूजा करो तो तुहाडे घर दे विच आनंद ही आएगा। तो जे तुसी उन्हां रूहां नूं पूजोगे जो जिंदगी तो फारग हो गई, किसी के कर्म ऐसे सी कि उन्हें नरका च जाना पाया, किसी के कर्म ऐसे कि उन्हें कुत्ता बनना पाया, किसी के कर्म ऐसे बिल्ली बनना, पता नहीं केड़ी केड़ी जून दे विच है, जो उन्हां रूहां नूं ही पूजी जावांगे तो घर दे विच दुखी लैके आउणगियां, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं। और एक साईं फकीर लोग ने तो ऐसा आख्या कि वह दावे नाल कह सकते हैं कि जठेरियां नूं पूजन वाले हज़ारां च एक भी बंदा नहीं होवेगा जो कह दे कि मैं बड़ा सुखी हाँ, मेरी औलाद बड़ी सुखी है। नहीं, क्योंकि वह उन्हों का दावा है। मैं सिर्फ एक फकीर की गल सुनी, जोड़े मालक लोग जोड़े है तुम भी सारे जानते, उन्होंने मालक लोग उन्होंने आख्या जाता उन्होंने, तो वह आखते भी मैं दावे नाल कह सकता कि जोड़े भी जठेरियां पूजते ना वो घर च कदे सुख नहीं होंदा, क्योंकि परमात्मा नाल जुड़ना चीज़ अलग है। तो कहें कि दावे नाल कह सकते कि जठेरियां पूजन वाले हज़ारां चों एक भी बंदा नहीं होगा जो कह दे कि मैं बड़ा सुखी हाँ, मेरी औलाद बड़ी सुखी है, इदां कहें हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बंदा कह ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये जरूर हो सकता कि मैं किसी सतगुरु नाल जुड़िया, किसी परमात्मा नाल जुड़िया, ईश्वर नाल जुड़िया, रब नाल जुड़िया, गुरु पीर नाल जुड़िया, हाँ मैं बड़ा खुश हाँ, ये हो सकता। तो ले जिहड़े लोग उस परमात्मा नाल जुड़े आ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਛ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਸੁੱਖ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ जो इत्थे भी नहीं रहा आनंद अगे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिहड़ियां रूहां आप ही अपने कर्मा करके दुख भोग रही होण उन्हां रूहां नूं उन्हां दी बंदगी करके इबादत करके उन्हां रूहां नूं तुहाडे घर च जदों भी आउणगे दुखी लैके आउणगे, सुख नहीं लैके आउणगे। इह तां उही गल है कि एक बंदे दे सिर ते फुल्लां दी टोकरी है, एक बंदे दे सिर ते कूड़ा है। जे कूड़े वाले कोल जाके खड़ोगे ते उहनूं कहोगे भाई साडे घर आ जा तो घर के बदबू ही आएगी, तो जे फुल वाले कहो कि भी साढ़े घर आया तो घर के खुशबू ही आएगी, खुशबू मिलेगी, तो उन्होंने फुलों की सुगंध नाल तुहाडा जीवन भी महक उठेगा, जीवन भी महक उठेगा। मर्जी आपो अपनी है, कूड़ा चाहते हैं या फुल चाहते हैं। जदों भी जठेरे पूजन जाओ तो यह जरूर सोच लेना कि साढ़े ऐसे कर्म है कि साड़ी औलाद, कि साढ़े ऐसे कर्म है कि साड़ी औलाद सानू पूजे, क्योंकि मर के असी भी जठेरे बन जाना है। इमोशनल तरीके नाल नहीं कि मेरे पिता सी मैं तो पूजांगा, मेरे माता सी, इमोशनल तरीके नाल, प्रैक्टिकल तरीके नाल सोचो, तो मैं भी सानू कोई पूजूगा कि ये मेरा प्यो सी, वह तो पूजना ही है भी, चलो माँ प्यो दुनिया से लैके उन्होंने पूजा करूँ, सेवा करनी चाहिए, ठीक जब तक है। बाद प्रैक्टिकल तरीके नाल सोचो कि ऐसी उन्होंने कोई बंदगी की रब नाल जुड़न लई, या असी कर रहे हैं, मैं कीती या तुसी कीती, कि ताडे न्याणे तुहानू बाद च पूजण, क्योंकि असी तां कहांगे भी तुसी भरावा रब नू पूजो, अकाल पुरख नू पूजो, अल्लाह नू पूजो, वाहेगुरु राम नू पूजो, या ताडे गुरु पीर मुरशद ने जे कोई शब्द दिता उहदे नू उहनू पूजो, क्योंकि पूजण योग उही है जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़िया। इंसान जे मेरे वर्गा कोई कहो तो मैं तो नहीं कहूँगा भी आसी मैं नीच नकम्मा साहबा तेरी जात बड़ी। हुण इहदे विच दो गल्लां इह हो गईआं कि जिहड़े जांदे पए आ शुरू तों, जिहड़े शुरू तों जांदे पए आ उहनां ने कोई कोल करार कीते आ,
उन्होंने नभाने पैने बेचारे। हाँ पर जे उन्हें सिर पर कोई गुरु मुरशद ऐसा हैगा है जिहड़ा संभाले वो फिर गल अलग है, वो फिर गल एक अलग है। तो घर के जे कोई वड्डा मानता वह कहिंदा भी जाना है, तो जे तुसीं नहीं जाते तो कलेश पैंदा, फिर तुहानूं माड़ा मोटा अपने आपना सैक्रीफाइस बंदे नूं करना पैंदा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पैंदा, उहदे च अपना ही नुकसान है, है नुकसान ही है, पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ की है भी चल यार घर च कलेश के ना पवे। कई लोग ऐसे होणगे बड़ा जठेरे जठेरे करनगे, पर उहनां नूं उस अपने न्याणियां नूं जां अपने वड्डियां नूं वो ऐसा हमेशा यही सोचते रहेंगे कि यार इन्हां दी गलती, इन्हां दी कोई गलती नहीं, गलती थोड़ी किसी की गलती है, किसी की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं, अपनियां गलतियां ने, ये चीज़ा वाल आप आप ही तुरे हैं। कई लोगों इन्ने साल हो गए पता ही नहीं होंदा भी जठेरे की होंदे है, वो एंड जाके कितने वो कहें भी साढ़े जठेरे पूजने असी की हो जाता। गोरा रंग रब ने बनाया, काला रंग रब ने बनाया, कई जठेरे कहते काला रंग नहीं मुना, काला रंग परमात्मा का ही है वह भी। हाँ कुछ चीज़ा होंदिया जी नैगेटिविटी देख दी, वो कलर वाइज होंगे, वो एक अलग चीज़ है, वह एक अलग आप टॉपिक बनावे, पर की लगता सोच के देखो। पर ये भी मैं यही कह रहा भी कलेश नहीं पाने की लोड़, नुकसान भावें अपना ही है पर कलेश पा के करा की घर च। अजे तो सियाणा होया कोई अगला बंदा उन समझ जूगा कि मेरा बच्चा सही कह रहा या मेरा बड़ा सही कह रहा कि नहीं करने चाहिए योजे काम, नहीं करने चाहिए योजे काम। गल उही है फुल चाहिए है कि कूड़ा चाहिए, मुद्दा मुक जाता सारा। पहला कूड़ा घर लै आने फिर फुलों को जाने कि साढ़े सुगंध दे दौ, फिर वह बेचारे सफाई करते हैं ताकि फिर फुलों की सुगंध होंगी। सो ये आपों अपना रीजन है। बाकी कई कुछ फकीर इदा के भी है जिन्होंने अपने जठेरे भी पूजे, कुछ चीज़ा इदा दियाँ भी होंगे जिड़ी उन्होंने घर के व्डे वडेरे करते आए हैं तो उन्होंने करके दिक्कत आदि फिर जठेरिया जाते। और ज़्यादातर स्परिचुअल जोड़े पाथ होंगे ना बाबा जी, अध्यात्मिक मार्ग वाले ज़्यादा तंगियां आदि क्योंकि वह सुचमना जुड़े होंगे, हम दूजे पास होर पास जुड़े है तो करिए कि बाकी ये है कि नानक दुखिया साहब संसार बंदे के हाथ कुछ नहीं है, तो उस ही जो चला गया उस ही वड वडेरा मान लेना मुश्किल। हाँ कोई ताडे घर ऐसा है जिन्हें बंदगी की है गुरु साहब उन्होंने बंदगी पूजो, जिहड़े मालक दे नाल जुड़ गए है साईं लोग फकीर उन्होंने पूजना चाहिए, क्यों नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि वह जुड़ गए किसी नाल, वो आप कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया, आशिक मिला जो मौत से कलंदर हो गया, उन्हें पूजना चाहिए। जिहड़ा गुरु वाला गया उन्हें पूजना चाहिए कोई भी हो, फिर चाहे जठेरे हो फिर चाहे जठेरे हो, क्योंकि वह आप लीन हो गए ना परमात्मा के नाल उन्होंने लिव लगी सी, वह फिर पूजन ही हो गया बाबा जी। सो बाकी मैनू जिन्ना क पता है या मैं सुनिया सीगा किसी फकर के सत्संग तो मैं तुहाडे नाल सांझा किया, तो जे कोई गल सुनाउंदे गलती हो गई तो माफ़ी का हकदार। जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद छवड़ी जी, अल्लाह वाहेगुरु राम सारे ते मेरा जरूर करम करम, गल सुनाउंदे कोई गलती तो माफ़ी का हकदार। सब नूं सलाम है जी।